गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है आपके? आज एक कंपैरिजन लेके आया हूँ मैं यूके और कनाडा का। एक ऑनेस्ट रिसर्च मैंने की है और एक ऑनेस्ट कंपैरिजन मैं आपके साथ लेके आया हूँ। जब मैं यूके मूव हो रहा था तो मेरे जहन में भी ये सवालात थे। हम लोग एक कंसल्टेंट के पास बैठे रहे तकरीबन 2 घंटे, इस चीज़ को फिगर आउट करने की कोशिश करते रहे। एनीवे, मैं फिर यूके में मूव हो गया, जो भी उस वक्त के सर्कमस्टांसिस थे। तो आज मैंने थोड़ी सी ये रिसर्च की है, तो मैं आपको अपनी जो भी रिसर्च है, मेरा जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या फ़र्क है यूके और कनाडा में, आपको कहाँ मूव होना चाहिए, या आप इन चीज़ों को सामने रखते हुए जो भी चूज़ करें वो आपकी मर्ज़ी है। तो आज हम बात करेंगे ट्रैवल वाइज, अगर आप ट्रैवलर हैं या टूरिज़्म पसंद करते हैं तो कौन सी जगह बेहतर है, इमिग्रेशन या PR लेना चाहते हैं, सैलरी की बात करेंगे, टैक्स की बात करेंगे, मिनिमम वेज की बात करेंगे, हेल्थ केयर की बात करेंगे, स्टडीज़ और कॉलेजेस की बात करेंगे, इसके अलावा हम वेदर और क्राइम रेट। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं क्राइम रेट के ऊपर। तो अगर क्राइम रेट देखा जाए तो यूके का क्राइम रेट थोड़ा सा हाई है स्लाइटली कनाडा से। अगर टोरंटो और लंदन का कंपैरिजन किया जाए तो थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। टोरंटो ज़्यादा सेफ़ है एज़ कम्पेयर टू लंदन, मगर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और इन दोनों से जो ख़राब क्राइम रेट है वो है अमेरिका का। एनीवे, हम अमेरिका की आज बात नहीं कर रहे। ओके, और अब आ जाते हैं वेदर के ऊपर। जो वेदर कंडीशंस हैं वो यूके में बेहतर हैं कनाडा से। अगर आप ज़्यादा सर्दी, ज़्यादा स्नो पसंद नहीं करते, स्नोफॉल कभी कभार देखने के लिए या घूमने फिरने के लिए तो ठीक है, मगर डेली लाइफ 24 आवर्स जो स्नोफॉल है या आपके नी डिप स्नोफॉल है, ये बहुत ज़्यादा मसला करता है, बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो जाता है सम टाइम। तो विंटर में जो कनाडा है ये तकरीबन -8, -10 या मोर देन दैट, -10 से भी ऊपर चला जाता है। जबकि अगर यूके की बात करें तो स्नोफॉल कम ही होता है। लंदन में कभी एक आधा दिन हो गया, एक दो दिन थोड़ा बहुत स्नोफॉल हो गया, -1, -2, इससे ऊपर नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा -4 पे चला जाएगा। अगर हम बात करें स्कॉटलैंड वगैरह की, स्कॉटलैंड की या एडिनबरा की बात करें, तो वेदर कंडीशंस जो हैं वो यूके की बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू कनाडा। उसके बाद हम आ जाते हैं हेल्थ केयर के ऊपर। तो हेल्थ केयर का जो सिस्टम है ये तकरीबन सेम है। हेल्थ केयर बेनिफिट्स यूके में भी वही हैं, आपको कुछ भी कंसल्टेंसी या कोई ऐसी चीज़ पे नहीं करनी पड़ती। अगर आप बीमार होते हैं, आप GP के पास जाते हैं, तो उसकी कोई फ़ीस नहीं है। इसी तरीके से कनाडा भी तकरीबन इस मामले में बिल्कुल जो है वो सेम है। और इसके बाद आते हैं हम सैलरीज़ के ऊपर। तो सैलरीज़ का जो यहाँ पर डिफरेंस है ये काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है यूके और कनाडा का। कनाडा में सैलरीज हाई है, तकरीबन $15 पर आवर के हिसाब से सैलरी मिलती है। यूके में तकरीबन £10 के करीब पर आवर वेज है। और उसके साथ अगर कंपेयर किया जाए सैलरी के साथ साथ लिविंग कॉस्ट जो है, क्योंकि अगर आप सैलरी इतनी ले रहे हैं तो आप खर्च क्या कर रहे हैं ये भी तो देखना पड़ेगा। तो अगर आप कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करें तो वो भी फ़र्क है, वो भी कनाडा की बेहतर है। टोरंटो अगर आप रहते हैं तो तकरीबन आपको £1100, फॉर एग्जांपल अगर आप टोरंटो शहर में रह रहे हैं तो आपको तकरीबन £1100 में 1 बेडरूम हॉल मिल जाता है, एक 1 BHK। मगर टोरंटो को एज़ कम्पेयर टू टोरंटो, जब आप लंदन में रहने की कोशिश करते हैं तो आपको 1700, 1800, 2000 के करीब पाउंड जो है 1700-800 के करीब 1 BHK पड़ता है। तो यहाँ जो है सैलरीज़ भी हाई हैं और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो यूके से कम है, तो इस हवाले से जो कनाडा है वो बेहतर है। और अब बात करते हैं PR की, यानी परमानेंट रेजिडेंसी की बात करते हैं। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो जो मेरा अपना रिसर्च है उसमें कनाडा को मैंने बेहतर पाया। उसकी वजह ये है कि अगर आपको यूके आना है, यूके की अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले यहाँ जॉब तलाश करना पड़ेगी, यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आके आप एक सर्टन टाइम तक जॉब करेंगे, उसके 5 साल बाद आप PR अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आते हैं तो आप PR नहीं ले सकते अनटिल और अनलेस आप 10 साल तक यूके में स्टूडेंट नहीं रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 साल तक आपको जॉब नहीं मिली, आप सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा पर रहे हैं, तो आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा यहाँ की PR अप्लाई करने के लिए।
मगर कनाडा में ये है कि कनाडा का एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, एक्सप्रेस इमिग्रेशन भी है। इसी तरीके से कनाडा में आप पीआर जो है आप ले के कनाडा आ सकते हैं, आपको किसी एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है, आपको जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने इंडिया या पाकिस्तान में बैठे बिठाए जो है उधर से ही आप अपनी क्वालिफिकेशन, अपना आइट्स और हर चीज़ आप सबमिट करते हो, आप एक्सप्रेस इमिग्रेशन अप्लाई करते हो और आपको पाकिस्तान या इंडिया में बैठे बिठाए कनाडा का पीआर मिल जाता है और आप पीआर लेने के बाद मूव करते हो कनाडा और उसके बाद जाके आप जॉब जो है वो वहाँ ढूंढते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है अगर देखा जाए। और अब आ जाते हैं टूरिज़्म या ट्रैवल के ऊपर। अगर आपको ट्रैवल पसंद है या टूरिज़्म पसंद है तो कनाडा जो है वो बहुत दूर है इस हवाले से, यूके कनाडा से बेहतर है क्योंकि आपके पास यूके के बिल्कुल तकरीबन एक घंटे की ड्राइव पे, सॉरी दो घंटे की, दो ढाई घंटे की ड्राइव पे या एक घंटे की या आधे घंटे की फ़्लाइट के ऊपर जो है वो यूरोप है। आप 9-10 पाउंड की फ़्लाइट लेके यूरोप में एंटर हो सकते हैं और एक यूरोप के किसी एक कंट्री का वीज़ा और आप 29 कंट्रीज़ में टूरिज़म कर सकते हैं, आप घूम सकते हैं। अगर आपको ट्रैवल का शौक़ है तो ये बेहतर है कनाडा से। अब कनाडा जो है वो दूर है, एज़ लॉन्ग एज आप अमेरिका नहीं जाना चाहते तो आपको कहीं भी अगर यूरोप वगैरह जाना है तो उसके लिए आपको एक लंबी फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। और अगर आप लाइक फैमिली मैन है, आपकी सारी फैमिली इंडिया में है या पाकिस्तान में है और आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, लाइक 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपको बार बार ट्रैवल करना पड़ता है, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो कनाडा बहुत दूर पड़ता है पाकिस्तान और इंडिया से, यूके जो है वो करीब पड़ता है। यानी पाकिस्तान से अगर आप आएँ तो तकरीबन 8 घंटे की फ़्लाइट लेके आप यूके आ सकते हैं और अगर आप टोरंटो जाए वहाँ से तो आपको 12 घंटे से ज़्यादा की फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर आप इंडिया से फ़्लाइट लेते हैं तो डिपेंड्स कि किस एरिया से आप फ़्लाइट ले रहे हैं तो वो भी आपको 17-18 घंटे की फ़्लाइट पड़ सकती हैं। तो अगर ट्रैवल के हिसाब से देखा जाए तो यूके जो है वो आपको करीब पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कनाडा। और अगर बच्चों की एजुकेशन की बात की जाए तो बच्चों की जो एजुकेशन है, अगर आप आपकी फैमिली या बच्चे हैं तो ये सेम है, यूके में भी 18 साल तक जो एजुकेशन है बच्चों की वो फ्री है, इसी तरह से कनाडा में जो है वो फ्री है। और आपकी सैलरी के ऊपर अगर टैक्सेस की बात की जाए तो स्लाइटली कनाडा का जो टैक्स है सैलरी के ऊपर वो कम है यूके से, यूके में थोड़े से टैक्सेस हाई हैं और थोड़ा सा जो सिस्टम है वो भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो कॉलेजेस की और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए तो उस हवाले से भी यूके थोड़ा सा बेहतर है कनाडा से। उसकी वजह ये है कि यूके में कुछ हाई रैंक कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पूरी दुनिया में टॉप 10 या टॉप 50 में रैंक करती हैं। तो इसके अलावा अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए आ रहे हैं तो यूके का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि यूके में 1 साल का मास्टर्स है और कनाडा में या अमेरिका में 2 साल का मास्टर्स है। तो अगर आप मास्टर डिग्री के लिए आ रहे हैं तो आपका पूरा 1 साल बचता है और आपको पता है कि टाइम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर ऑब्वियसली अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा रहेंगे अमेरिका में या कनाडा में तो उस 1 साल का आपको लिविंग एक्सपेंस भी ऑब्वियसली पड़ेगा। और स्टडी के लिए इसलिए भी यूके इस वक्त बेहतर जा रहा है क्योंकि यूके जो है वो PSW ऑफ़र कर रहा है और कनाडा में PSW तो नहीं है। तो ये था एक सिंपल सा कंपैरिजन, ये मेरी थोड़ी सी आज की रिसर्च थी, मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, अगर मुझे नहीं भी पता तो मैं वो पता करूँगा, वो मैं रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूँगा। मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन सारी चीज़ें जो हैं वो कवर कर ली हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।